दोस्तों न्यू चैनल पर वीडियो अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या होता है, क्योंकि अभी के टाइम यूट्यूब पर ढेर सारे नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं और वे लोग यूट्यूब पर तो चैनल बना लेते हैं लेकिन उनको वीडियो अपलोड करने का सही टाइम पता नहीं होता है और वे लोग अपने चैनल पर गलत टाइम पर वीडियो अपलोड कर देते हैं। इसके आगे आप सबको पता ही है कि क्या होता है। तो भाई अगर आपको भी यूट्यूबर बनना है और आपको भी जानना है कि आखिर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या होता है तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो टाइम बताऊंगा जिस टाइम पे आपको अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करना है और नए चैनल पर वीडियो अपलोड करने का अलग टाइम होता है, ओल्ड चैनल पर वीडियो अपलोड करने का कुछ अलग टाइम होता है। और इस वीडियो के अंदर आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपका यूट्यूब पर नया चैनल है तो आपको कब अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करना चाहिए, वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग क्या होता है, या फिर अगर आपका यूट्यूब पर पुराना चैनल है तो आपको उस चैनल पर वीडियो अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या होता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड, दोस्त और रिलेटिव के पास इस वीडियो को जरूर से आप शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो टाइम बताऊंगा वीडियो अपलोड करने का और आपको उसी टाइम में आपको अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करना है। लेकिन देखो यहां पे आपको समझना होगा, अगर आपका यूट्यूब पर नया चैनल है तो आपको उस चैनल पे आखिर कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा, और अगर आपका यूट्यूब पर ओल्ड चैनल है, पुराना चैनल है, आप डेढ़ साल दो साल से आप काम कर रहे हो या फिर छह मंथ से आप काम कर रहे हो और आपके चैनल पर सब्सक्राइबर एक बेस है 1000 या फिर 800-900 अगर सब्सक्राइबर है तो आपको उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कब करना चाहिए, टाइमिंग क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं नए चैनल पर वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग क्या होता है। तो भाई यहां पर आपको मैं यहां पे एग्जांपल देकर समझाऊंगा। देखो आपके पास में सब्सक्राइबर नहीं होता है, जब आप चैनल क्रिएट करते हो यूट्यूब पे तो आपके पास में एक भी सब्सक्राइबर नहीं होता है और आप सभी को पता ही है कि जो भी आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो उस वीडियो को कौन देखता है, ऑडियंस देखते होंगे, मेरे जैसा और आपके जैसा लोग देखते होंगे। और आपको ये समझना होगा कि आखिर लोग यूट्यूब पर कब कब एक्टिव रहते होंगे, जैसे कि आपको कब कब टाइम मिलता है कि आप यूट्यूब को ओपन करते हो। अगर आप क्रिएटर्स हो तो आप तो भाई बार बार आप यूट्यूब को चालू करते होंगे, लेकिन आपको सोचना होगा एक आम नागरिक जैसा कि आखिर वे लोग कब कब फ्री होते हैं और वे लोग कब कब अपने फोन को यूज करते हैं, कब कब उनके पास में जो है ना टाइम होता है कि वे यूट्यूब को चालू करके वहां पे स्क्रॉल करके वीडियो देखते होंगे। ये आप अपने घर के अकॉर्डिंग पता कर सकते हो, अपने भाई, अपने पापा, अपने मम्मी के अकॉर्डिंग पता कर सकते हो कि आखिर वे लोग जो है ना कि कब कब यूट्यूब को चालू करते होंगे। तो भाई देखो अगर आपका यूट्यूब पर नया चैनल है, बिल्कुल न्यू चैनल है, अगर आप दो चार वीडियो ही अपलोड किए अपने चैनल पर तो आपको अपने चैनल पर आखिर कब वीडियो को अपलोड करना चाहिए, बेस्ट टाइम क्या होता है। क्योंकि मैंने भी इस टाइम को फॉलो किया था अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए और जितने भी जो क्रिएटर्स अभी के टाइम जो महीना के लाखों रुपए कमा रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं ना भाई, वे लोग भी जो है ना कि इसी टाइम को फॉलो किए थे। भाई वो टाइम कौन सी है, भाई वो टाइम जो है ना मॉर्निंग के भाई 6 से लेके 10 के बीच में, 6 AM to 10 AM तक आपको अपने वीडियो को पब्लिक करना है। क्यों करना है मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा ओल्ड चैनल पर कब वीडियो अपलोड करना चाहिए। देखो मैं आपको क्यों बोला कि 6 बजे के बाद में और 10 बजे से पहले आपको अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में करोगे ना तो भाई आप जब भी सो के उठते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, अपने फोन को उठाते हो। अब उठाओगे फोन के उसके बाद में आप जितना भी आपका सोशल अकाउंट है आप सभी को क्या करोगे, आप ओपन करोगे और देखोगे किसका नोटिफिकेशन आया है, क्या क्या आया है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करोगे, आप देखोगे, चेक करोगे। लेकिन यहां पे सवाल यह उठता है कि भाई आप मॉर्निंग में अगर 6 बजे के बाद में और 10 बजे से पहले अगर आप वीडियो को अपलोड करते हो तो इसी टाइम में जो है ना कि बहुत सारे लोग जो है ना अपने वीडियो को अपलोड करता है, तो आपको भी क्या करना है ना कि इसी टाइम में जो है ना कि 7 बजे या फिर 6:30 बजे या फिर 8:30 बजे या फिर 8 बजे जो है ना कि आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है, आपको वीडियो को अपलोड करना है। अब इससे होगा क्या कि मान लो कि अगर कोई भी इंसान आपके वीडियो पर क्लिक करता है, ठीक है, अगर वो क्लिक करेंगे तो भाई अगर वो आपके वीडियो को देखते हैं,
अगर देखेंगे तो YouTube को लगेगा कि आपका वीडियो अच्छा है, फिर क्या करेगा ना कि आपके वीडियो का जो इंप्रेशन होता है ना किसी दूसरे इंसान के होम पेज तक बैठाया जाएगा। और दिन रहेगा भाई मॉर्निंग में अगर आप अपलोड करोगे, अगर किसी दूसरे इंसान के होम पेज पर जाएगा आपका वीडियो का इंप्रेशन, तो वो लोग भी क्या करेंगे आपके वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि दिन में तो सभी लोग भाई देखता ही है ना YouTube चालू करके देखता ही है कभी ना कभी। तो इस तरह से जो है ना कि भाई आपको अपने नए चैनल पर वीडियो को अपलोड करना चाहिए, क्योंकि देखो इसी में होता क्या है ना कि जो नए क्रिएटर्स हैं ना वो अपने चैनल पर शाम में वीडियो अपलोड करते हैं, तो शाम में क्यों करोगे यार, आपको फिर सब्सक्राइबर नहीं है, और अगर आप शाम में वीडियो अपलोड करोगे तो आपके वीडियो का नोटिफिकेशन तो किसी के पास में नहीं जाएगा, तो कोई नहीं देखेगा। और मान लो कि अगर कोई इंसान अगर आपके वीडियो पर क्लिक भी किया, और अगर आप रात में ही वीडियो को अपलोड करते हो, अगर कोई इंसान आपके वीडियो को देखा, अगर YouTube आपके वीडियो को किसी दूसरे इंसान के पास में सजेस्ट भी करता है, तो भाई जो YouTube पर जो ट्रैफिक होता है ना भाई वो 11 से 12 बजे तक लास्टिंग होता है, उसके बाद में सारे लोग जो है ना सोने चल जाते हैं, YouTube कोई नहीं चलाता है रात में, ठीक है ना। तो आपके वीडियो पे उस सिचुएशन में भाई व्यूज नहीं आएंगे, और मतलब वो बेकार हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो भाई आपको जो है ना कि मॉर्निंग में अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करना चाहिए 6 से 10 बजे के बीच में। अब हम जानते हैं कि अगर आपका चैनल YouTube पर पुराना हो चुका है, जैसे कि 700-800 सब्सक्राइबर हो चुका है, या फिर वो 1,000, 2,000, 3,000 करके सब्सक्राइबर हो चुका है, तो भाई आपको अब अपने चैनल पर कब वीडियो अपलोड करना चाहिए। देखो भाई मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ना, मैं ये सब को जो है ना मैं फेस किया हूँ, तब मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास में सब्सक्राइबर है, पहले से सब्सक्राइबर है, और आप जब आपको मन करता है ना उस टाइम आप वीडियो को अपलोड कर देते हो, तो ये करना बंद करो। अब आपको देखना है, आपको पता लगाना है कि आखिर जो आपको सब्सक्राइब किए हैं वह कितने कितने बजे जो है ना एक्टिव रहते हैं, और आप कैसे पता लगा सकते हो भाई, तो आप पता लगा सकते हो एज से। अपने फोन के अंदर व्हाइट स्टूडियो को ओपन करो, अब एज लिमिट में जाओ, वहां पर देखो कि आपके जो वीडियो है ना वो कितने एज के लोग देखते हैं। तो भाई अगर आपके वीडियो को जो है ना कि अगर 24 से 25 साल या ऐसे कुछ अगर लोग अगर देखते होंगे ना, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि आपका वीडियो ओल्ड एज देखते हैं या फिर यंग लड़का देखता है, समझ रहे हो ना, ऐसा से पता लगा सकते हो। अब आपको क्या करना है, अगर आप मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करके थक चुके हो, इवनिंग में वीडियो अपलोड करके थक चुके हो, अगर आप आफ्टरनून में वीडियो अपलोड करके थक चुके हो, तो आखिर आपको कब अपलोड करना चाहिए। तो भाई ये होता क्या है ना, YouTube क्या करता है ना कि अगर आपके पास में सब्सक्राइबर है, और अगर आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करोगे, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर के पास में बैठाएगा। अगर वो लोग आपके वीडियो को नहीं देखेंगे तो आगे उस वीडियो को रीच जो है ना बैठाएगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। और जब दूसरे इंसान के पास में आपका वीडियो का इंप्रेशन जाएगा ना, वो लोग भी नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई इतना सब्सक्राइबर है इनके चैनल पर और इनके वीडियो पे एक भी व्यूज नहीं आया हुआ है, कुछ समझ में आया ना। तो अब आपको पता करना होगा कि आखिर आपके ऑडियंस कब एक्टिव रहते हैं। अगर स्टूडेंट होंगे तो भाई वो मॉर्निंग में एक्टिव होंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि मॉर्निंग में 7 से 8 बजे तक वो एक्टिव रहेंगे, उसके बाद में स्कूल के लिए जो है ना उनको रेडी होना होता है, वो उनको स्कूल जाना होता है, वो फिर उनको लंच में टाइम मिलेगा भाई, तो लंच में टाइम मिलेगा तो मोबाइल लेकर थोड़ी जाते हैं, आपको समझना होगा। फिर कब आएंगे वो, इवनिंग में आएंगे अपने घर पे, तो आपको इवनिंग में वीडियो अपलोड करना होगा, 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आपको अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करना होगा। अगर मान लो कि कोई ऑफिस वाला बंदा अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो ऑफिस जाते होंगे उन लोगों को भी जो है ना कि 6 बजे के बाद में ऑफिस से जो है ना छुटकारा मिल जाता है, तो वह भी जो है ना अगर आप 3 बजे के बाद और 6 बजे के पहले वीडियो अपलोड करोगे ना भाई, तो वो भी जो है ना जब फ्री होंगे आपके वीडियो को देखेंगे। अगर कोई हाउसवाइफ भी होगी ना, तो वो लोग भी जो है ना आपके वीडियो को देखेंगे। और अगर आपका चैनल पे सब्सक्राइबर पहले से है भाई, तो आपको अपने सब्सक्राइबर अकॉर्डिंग चलना होगा, आपको अपने सब्सक्राइबर को एक्टिव होने का आपको पता करना होगा व्हाइट स्टूडियो से एज से, उसके बाद में आपको वीडियो अपलोड करना होगा, थोड़ा बहुत जो है ना कि आपको स्ट्रगल करना होगा, पता करना होगा, ठीक है। लेकिन नए चैनल पर भाई वीडियो आपको मॉर्निंग में अपलोड करना है, मैंने आपको बताया नए चैनल पर मॉर्निंग में करना है 6 से 10 के बीच में। और अगर आपका चैनल पे 2,000-3,000 सब्सक्राइबर है, या फिर 400-500 सब्सक्राइबर है, 700-800 सब्सक्राइबर है, तो आपको अपने ऑडियंस को पहले पता करना है व्हाइट स्टूडियो के अंदर जाकर एज से, उसके बाद में आपको उनके एक्टिव होने के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वीडियो को पब्लिक करना है। बात समझ में आ गया ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा ना, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना भाई, और अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव के पास में इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, जो लोग YouTube पर काम कर रहे हैं या फिर YouTube पर आना चाहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। मिलता है एक नए वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।